टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रही टीम इंडिया को लगातार बुरी खबरें मिल रही हैं। दीपक हुड्डा के बाद जसप्रीत बुमराह भी चोटिल हो गए हैं और उनके वर्ल्ड कप में खेलने पर संशय बरकरार है। इस बीच चर्चा चल रही है कि उमरान मलिक को टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजा जा सकता है। वर्ल्ड कप से पहले उमरान मलिक ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को ईरानी ट्रॉफी का आगाज हुआ। रेस्ट ऑफ इंडिया और सौराष्ट्र की टीमें आमने सामने हैं। यहां रेस्ट ऑफ इंडिया की घातक बॉलिंग के आगे सौराष्ट्र ने घुटने टेक दिए और सिर्फ 98 के स्कोर पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। रेस्ट ऑफ इंडिया की ओर से मुकेश कुमार उमरान मलिक की तेज रफ्तार गेंदों ने कहर बरपाया, जिसे सौराष्ट्र के प्लेयर्स नहीं झेल पाए। इस पारी में मुकेश कुमार ने 10 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट, जबकि उमरान मलिक ने 5.5 ओवरों में 25 रन देकर 3 विकेट लिए। 3 विकेट कुलदीप सेन को भी मिले। रेस्ट ऑफ इंडिया के बोलर्स ने सौराष्ट्र के टॉप ऑर्डर को पूरे तरीके से ध्वस्त किया। शुरुआती 5 बल्लेबाज को दहाई का आंकड़ा भी पार करने नहीं दिया। सिर्फ 4 बल्लेबाजों के बाद दहाई का आंकड़ा पार किया, तब जाकर सौराष्ट्र 98 के स्कोर तक पहुंच पाया। जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने की वजह से टीम इंडिया की टेंशन फिलहाल बढ़ गई है। अभी बुमराह पूरे तरीके से टी20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए, लेकिन बीसीसीआई ने बैकअप के लिए सोचना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि सिराज या उमरान मलिक को रिजर्व प्लेयर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। पहले ही टीम इंडिया 4 रिजर्व प्लेयर्स के साथ ट्रैवल कर रही है, जिसमें मोहम्मद शमी और दीपक चहर जैसे तेज गेंदबाज शामिल हैं। ऐसे में देखना होगा कि जसप्रीत बुमराह की जगह क्या उमरान मलिक को टीम में जगह मिलती है या नहीं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।